हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया था और उन्होंने मनुष्य के पिता मनु को दिया। बाद में मनु ने इस उपदेश को राजा इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार है शत्रुहंता, ये परम ज्ञान राज ऋषियों ने जाना, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, जिससे यह ज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। आज मैं वही प्राचीन योग ज्ञान यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान आज तुम्हें मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा और भक्त हो, इसलिए तुम ही इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। हे केशव, सूर्यदेव विवस्वान का जन्म तो आपसे बहुत पहले हुआ था, तो फिर मैं इस बात को कैसे मानूं कि इस योग का उपदेश आप ही ने उन्हें दिया था? हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वे सब याद हैं, किंतु तुम भूल गए हो। मैं जन्मा अविनाशी तथा समस्त जीवों का स्वामी होते हुए भी अपनी योग माया द्वारा अवतार लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की प्रधानता होती है, मैं तब तब अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त बहुत से व्यक्ति मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से हे अर्जुन, उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसको उसी के अनुरूप फल देता हूं। निसंदेह उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। जो इस संसार में फलों की इच्छा प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं, प्रकृति के तीनों गुण और उससे संबंधित कर्म के अनुसार मैंने ही समाज के चार विभागों की सृष्टि की है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, फिर भी मैं अव्यय करता हूं। ना तो मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव पड़ता है और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे इस सत्य को जानता है, वो कभी कर्मों के फल बंधन में नहीं बनता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति के अनुसार ही कर्म किए हैं, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म की बारीकियों को जानना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, जिसे जानकर तुम भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्यों में अत्यंत बुद्धिमान है। वो हर प्रकार के कर्मों को करते हुए भी
दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक कर्म इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। और वो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति जब अपने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से अपने कर्म फलों को भस्म कर देता है, ज्ञानी जन उसे ही पंडित कहते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव स्वतंत्र संतुष्ट रहकर भी और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सा काम कर्म नहीं करता, ऐसा मनुष्य ज्ञानी पुरुष कहलाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। वो अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कर्म करता हुआ वो पाप के फलों से प्रभावित नहीं होता। जो बिना इच्छा के प्राप्त लाभ से सदा संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या हर्ष और शोक आदि से मुक्त होकर सफलता तथा असफलता में स्थिर रहता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। जो प्रकृति के गुणों से अनासक्त है, जो देहाभिमान एवं ममता रहित है तथा जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है, ऐसे मनुष्य के सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में हवन किए जाने योग्य द्रव्य ब्रह्म हो और ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म हो, इस प्रकार पूर्ण एकाग्रता से ब्रह्म कर्म में लगा हुआ ब्रह्म रूप वो व्यक्ति निश्चित रूप से परमधाम को प्राप्त हो जाता है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों से देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं से तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और कुछ दूसरे व्यक्ति इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कुछ योगीजन मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। वो संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु को संयमित मन रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कई लोग कठोर व्रत अपनाकर अपनी संपत्ति के स्वामित्व को त्याग कर तथा कुछ लोग कठिन तपस्या के द्वारा, जबकि कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान को उन्नत करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हे अर्जुन, अन्य लोग भी हैं जो श्वास को रोककर प्राण तथा अपान वायु को लह करके समाधि में लीन हो जाते हैं और कुछ अन्य योगी कम भोजन करके प्राण को ही प्राण में आहुति देते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार विभिन्न तरह के योगी यज्ञों के अर्थ को जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और वो यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। अतः हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में सुखी नहीं रह सकता, फिर उसके लिए परलोक सुख की कामना तो मिथ्या ही होगी। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, जो विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम सर्वथा मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आखिरकार सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। इस ज्ञान को गुरु के पास जाकर समझने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं।
अतः ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसे कभी ऐसा मोह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा वो जान जाएगा कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं। अपचेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतिमा सर्वम ज्ञान पलवेव नैव विरजनम संते ऋषियसी। यदि तुम्हें समस्त पापियों से सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार होकर इस दुख सागर को पार कर जाओगे। यथे धांसी समृद्धो अग्निर भस्मसात कुरते अर्जुन ज्ञाना अग्नि है सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्म फलों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। किंतु अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना के अमृत को प्राप्त नहीं करते, बल्कि संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मप्रायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान के कारण जो तुम्हारे मन में संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो और योग से समन्वित होकर युद्ध करो।